बैठता नहीं है। हम अपनी क्रियाशीलता को देख सकते हैं, हम कितने क्रियाशील हैं, हम उसका अनुभव ले सकते हैं, हम उस पर चिंतन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख सकते, लेकिन हम देख सकते हैं हम कहाँ हैं। हमारे मन की कुशल बातों का जिक्र हम कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और जैसे बाबा साहब का जन्म से मृत्यु तक उन्होंने कितने कार्य किए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं लोगों के लिए, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था उनको अधिकार दिलाए हैं। और कहीं भी जब उन्हें मौका मिला है लोगों के हित के लिए, जो एक बोधिसत्व का कार्य होता है, वो काम किया है उन्होंने। तो मैं इस पर भी ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। वो हमेशा पढ़ते रहते थे, कितने अध्ययनशील थे वो, है ना, वक्ता थे, कुशल वक्ता भी थे। कहते हैं कि संसद में जब वो बोलते थे, अपनी बात रखते थे, तो उनकी बात का जवाब नहीं होता था किसी के पास, और उसके लिए कोई मदन मोहन मालवीय ऐसे कोई व्यक्ति थे, उन्होंने बोला था कि बाबा साहेब इन सारे उसमें अकेले ही बहुत हैं, मतलब पूरी संसद में जितने हैं उन सब पे भारी हैं, अकेले इतने विद्वान व्यक्ति हैं। तो आप समझ सकते हैं उनकी वीरता को, है ना। और कहते हैं वीर कभी असंतुष्ट नहीं रहता है, है ना, उसे किसी बात के लिए वो नहीं होता है, असंतुष्ट नहीं होता है। हमने पिछली बार भी बताया था कि कभी कभी होता है लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं, और मुझे वो दिन याद है बहुत पहले का। हम लोग नए नए मित्र थे, और हुआ क्या था कि पहली बार प्रोग्राम हुआ था देहरादून के प्रेस क्लब में, और प्रोग्राम बहुत अच्छा और सक्सेसफुल प्रोग्राम था, और किसी डिस्ट्रिक्ट स्तर पे पहले भी प्रोग्राम हुए हैं, यहाँ दीक्षा भी हुई है हमारे मित्र बनने के पहले, लेकिन हम लोगों के मित्र बनने के बाद ऐसा प्रोग्राम अपनी तरह का पहला प्रोग्राम था, और प्रेस क्लब में था तो प्रेस वाले भी आते हैं, हर एक पेपर में छपा भी बढ़िया। लेकिन पेपर वालों का क्या होता है कि एक उनका अपना वो होता है कि कितना वो छापे उनके ऊपर निर्भर होता है, कुछ के नाम आए कुछ के नहीं आए, और जिनके आए उनकी बात अलग है, लेकिन जिनके नहीं आए वो एकदम से कि हमारा नाम क्यों नहीं लिखा गया, हमने भी ये किया। तो ये लक्षण होते हैं कि ये वीरता के लक्षण नहीं होते हैं, है ना। वीरवान पुरुष काम करता है, क्या उसका वो है ये सब नहीं ध्यान देता है। ऐसे ये तो एक मैंने उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं, इसका अनुभव ले सकते हैं, इसलिए वो असंतुष्ट नहीं रहता। बाबा साहब जिस उदाहरण के लिए उन्होंने कोई कोर्स किया था, जो 8 वर्ष में होना था उन्होंने 2 वर्ष में किया था, है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो वीरवान थे, है ना। लेकिन कहते हैं वो भले बीमार हो कुछ भी हो, लेकिन वो 21 घंटे बैठकर पढ़ते थे, या 21 घंटे 18 घंटे जो क्लियर मैं नहीं हूं शायद, तो ऐसा भी इतने अध्ययनशील थे। तो ऐसे वीर जिनके पास होता है या वीरवान व्यक्ति होता है उससे हम समझ सकते हैं। कहते हैं वीरवान व्यक्ति या वीर जो है कभी निराश नहीं होता है,
कि हम ये जिम्मेदारी लिए हैं या ये काम करना है, होगा कि नहीं, उसमें निराशा की भावना नहीं रहती। कोई भी अवरोधक हो, बीमारी हो, भयंकर से बीमारी हो, लेकिन वो निराश नहीं होता है, है ना। वो कि और इसमें भी है निराश, इस बात का होता है किसी कार्यक्रम में स्वागत नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ या हमें पूछा नहीं गया या हमारा नाम नहीं लिया गया, इस प्रकार की निराशा नहीं होती है। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और अगली बात जो होती है, वीर कभी पीछे नहीं हटता है। जो वीरवान जिसके अंदर वो वीरता की झलक होती है या जो वीरवान भाई, वो पीछे नहीं हटता है, जिस काम को लिया वो चलता है और करता है। और हम अपने संघ में भी देख सकते हैं और बहुत से धर्मचारियों से भी इसका उदाहरण देख सकते हैं। और इन सब के अंदर वीरों की एक वीर की बात होती है जिसको हम समझ सकते हैं। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, वो बोध सागर जी बता रहे थे, उन्हें भाजा शिविर में जाना था और बारिश हो गई थी। अब तो थोड़ा, मैं गया था पहली बार, अब तो थोड़ा रास्ता आने जाने का था, तब वो खेतों से होके जाना पड़ता था। उनको बुखार बहुत था और वो ढेर सारी दवाइयां पहले से लेके गए थे। और शाम का समय, पानी में उधर सांप भी बहुत होते हैं, और कैसे भी वहां पहुंचे शिविर में। और वो बताते हैं कि उनको दवा नहीं खानी पड़ी, ध्यान में इतना वो हो गए कि पसीने पसीने एकदम से उनका बुखार वगैरह सब उतर गया। तो ऐसी भी बात होती, उन्हें शिविर में जाना था, कोई ऐसा होता है यहाँ तो सांप रहते हैं, खेतों में रास्ता नहीं, कैसे हमें जाना है, वो तो एकदम जंगल है। तो इससे भी समझ सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण हम समझ सकते हैं, जिस प्रकार बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद अगर वो वहां रुक गए होते, आगे सारनाथ की तरफ अपने पांच परिवारजकों के तरफ न गए होते, तो ये धर्म इस प्रकार से पूरे विश्व में निकलता। लेकिन वो वीरवान थे कि नहीं, ये सबको बताना है, उसे चिंतन किए, मनन किए, है ना। और जिसका परिणाम है आज हम लोग यहाँ अध्ययनशील हैं। और इसी का एक उदाहरण हम समझ सकते हैं बुद्ध के समय का, कि आप सभी भिक्षु पूर्णा के बारे में सुना होगा। तो उसको गांव में जाने के लिए, भिक्षाटन के लिए जाना था, देशना के लिए। तो बुद्ध कहते हैं, नहीं पूर्णा, तुम्हें उस गांव में नहीं जाना है, क्योंकि तुझे लोग सुनेंगे नहीं, गाली गलौज करेंगे, इसलिए मत जाओ, तेरी बेइज्जती होगी। पूर्णा कहता है, गाली गलौज ही करेंगे, मारेंगे तो नहीं। वो कहते हैं, नहीं नहीं वो मारेंगे भी, इसलिए मत जाओ। तो पूर्णा कहता है कि ठीक है, मारेंगे, जान से तो नहीं मारेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, जान से भी मार सकते हैं, इसलिए मत जाओ, अच्छा नहीं है जाना। तो फिर पूर्णा वहां भी नहीं रुकता है। पूर्णा क्या जवाब देता है, अच्छी बात है, हमारी मृत्यु ऐसे लोगों के हाथ से हुई, ऐसे धर्म के प्रचार प्रसार के कारण हुई, तो हमें गर्व होगा, क्योंकि हम बुद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, या हमारी मृत्यु भी हो जाए तो चलेगा। तो बुद्ध कहते हैं, फिर तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अकुशलता गायब हो गई है, तुम्हारे अंदर वीर की स्फूर्ति हो गई है। तो इस प्रकार से हम वीर को समझ सकते हैं। ये वीर है जो इस प्रकार से होता है।
और आगे बीर के बारे में हमने बहुत कुछ बताया, तो थोड़ा सा और जब हम इसी प्रकार की वीरता और उद्देश्य को लेके अपने ध्यान में चलते हैं, ध्यान करते हैं, जब उसमें आगे बढ़ते हैं, हमारा अच्छा ध्यान होता है, तो उससे भी एक कदम हम आगे बढ़ते हैं। वो अवस्था जो है बड़ी वैसी अवस्था ये संबोधि मार्ग में जिसका बताया गया है ना, तो प्रीति की अवस्था होती है, लेकिन ये ध्यान की अवस्थाएं हैं, ध्यान से ही हम समझ सकते हैं। और ध्यान की इसमें क्या होता है, जो विचार हैं, जो वितर्क हैं, है ना, ये सारी चीजें नहीं रहती है ना। तो इस प्रकार की अवस्था में प्रीति की अवस्था आती है, और प्रीति जो है संबोधि का अंग है। इस प्रकार प्रीति के जो रूप हैं वो विचार विहीन प्रीति होती है। जब विचार नहीं होते, हमारे अंदर विचार नहीं आते हैं, है ना, सब विचार होता है, सब वितर्क होता है, तब प्रीति होती है। इस समय चित्त की जो लीन अवस्था है, या चित्त की लीन अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है, कोई विचार नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई कुछ नहीं होता है, ऐसे में वो रहता है। तो वो अवस्था जो है वो प्रीति की अवस्था होती है ना। और उसको जो है यहाँ उठने के लिए या उसके लिए धम्म बिच एवं वीर के साथ साथ प्रीति जो है ये सहकारी मतलब सहायक होता है ना, आगे उठने के लिए। प्रीति शब्द हम समझ सकते हैं कि इसका अर्थ प्रसन्नता से भी होता है, आनंद से भी हम कह सकते हैं, आनंद भी होता है। और इस प्रकार चित्त की प्रीति पूर्ण अवस्था का विस्तृत वो मतलब ये वर्णन होता है प्रीति। और वास्तव में जब हम ध्यान करते हैं, प्रीति या ये अवस्थाएं जो होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो बुद्ध ने भी बताई हैं। तो ध्यान की अवस्था के बाद जो ये अवस्थाएं आती हैं वो इतना सुखदाई होती हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है ना। सेम उसी तरह और जिस समय चित्त में प्रीति विद्यमान रहती है, उस समय हम आनंदित प्रमुदित एवं उसमें जो है प्रीति में क्या उदार भाव तथा तेजस्वी भावों से युक्त और इस प्रकार से प्रसन्न मतलब शरीर जो है, शरीर से भी अपने चेहरे से या जैसे समझे उससे भी एकदम खुशनुमा दिखता है, और जब रहेगा तो दिखेगा, इसका मतलब खुशनुमा रहता है और वैसे ही दिखता है। और इस प्रकार सुख की अनुभूति होने के कारण इस जैसे जैसे वेदना स्कंद के अंतर्गत सुख वेदना के तथा संस्कार स्कंद के संबंध में मतलब ये रहता है, और इस प्रकार ये प्रीति की जो है पांच बातें जो है हम बताना चाहेंगे, और उस पर ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ध्यान का वो है, केवल हम उसके बारे में बता सकते हैं कि ये जब ये अर्थ कथाओं में इसकी चर्चा आती है ना, तो प्रीति की चर्चा ऐसे की गई कि सामान्य सुख की अनुभूति होती है उस समय प्रीति की अवस्था में, और कभी कभी ऐसा होता है क्षणिक प्रीति होती है कि आई क्षण भर में और फिर गायब हो गई, और कभी कभी ऐसा होता है कि विद्युत
के समान खुशी की लहर होती है, जैसे बिजली चमकती है जब बादल होते हैं, तो उसी तरह से प्रीति की अनुभूति होती है। और आगे जो है गहरी दिलचस्पी है ना, ऐसी होती जिसमें गहरी दिलचस्पी हो जाती है, उसे भी प्रीति की अवस्था होती है। और इसको ये सब प्रीति में आती है। और दूसरा क्या है कि आगे उत्तेजनापूर्ण प्रीति होती है ना। तो इस प्रकार से अगली प्रीति जो है वो व्याप्त, जो व्याप्त होती है, इस प्रकार पांच प्रकार की प्रीतियों की स्थिति प्रीति के हेतुओं पर निर्भर करती है कि उसका कैसा हेतु है, उसको हम उससे हमें होगी। और इसमें क्या, जब हम बहुत एकाग्र होंगे तभी इसका अनुभव होता है, और ऐसा नहीं है कि भाई निरंतर ही होगा, ऐसा निराश भी होने की जरूरत नहीं है कि हमें तो ऐसा अनुभव नहीं मिल रहा है, इतने दिन से ध्यान करते हैं। लेकिन कभी कभी होती है जब हम एकाग्र होंगे, हमने पहले बताया, जब हमारे अंदर विचार नहीं होगा, वितर्क नहीं आएंगे और एकदम चित्त शांत होगा, और उसमें भी ये एकदम से नहीं होगी, कभी क्षणिक मात्र की होगी, कभी थोड़ी देर का, जैसे हमने बताया, इस प्रकार की होती है। तो आदमी क्या, व्यक्ति जो ध्यान करता है, ये अवस्थाएं आती हैं, तो उसमें भी हमें रुकना नहीं है, हमें आगे की सोचना। लेकिन अभी क्या होता है कि जब वो अवस्था आती है, ये बातों से या बातचीत में हम भले बोलते हैं, लेकिन हमें भी कभी अवस्था आती तो हम उसी में भूल जाते हैं, है ना, कभी कभार ऐसा होता है। तो ये अवस्था ऐसी होती है। प्रीति जो है चैतसिक अनुभूति की अवस्था के अनुसार साधक का समाधान करती है ना। और इससे क्या होता है, व्यक्ति का या जो ध्यान कर रहा है उसका शरीर जो मन में आध्यात्मिक उत्तेजना जो है वो व्याप्त हो जाती है ना। शरीर और मन, काया और मन, जब हम ध्यान करते हैं, ये आनापानसति करते हैं, तो पहली पारी, दूसरी पारी में गिनती करते हैं, तीसरी पारी में, यही तो हम कहते हैं कि हम जो देखते हैं कि हम सांसों के माध्यम से हम सांस लेते हैं, और कहाँ कहाँ टच कर रहा है इंद्रियों के माध्यम से उसको, हम कैसी वेदनाएं महसूस हो रही हैं शरीर में, क्योंकि वो मन से देखते हैं और शरीर और मन वहां एकाग्र होने की बात होती है, क्योंकि वो सांस जो है शरीर के उन अंगों से स्पर्श करता है, उससे हम शरीर से एकाग्र होते हैं। तो ये साधक बात है, आध्यात्मिक उत्तेजना होती है। और काया चित्त की ये बात है, इस प्रकार प्रीति जो है व्यक्ति की तेजस्विता के लिए, उनकी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहती है। और ध्यानों में प्रीति का संबंध प्रथम ध्यान में है, क्योंकि ये सवितक सविचार इस प्रकार का जो होता है प्रथम ध्यान की उपस्थिति में होती है। और इस प्रकार ध्यान तो आगे और सारे हैं, इतना हमें आगे नहीं जाना है, हम इतने बताएं कि ये प्रीति की अवस्था होती है। और शुरू शुरू में इसका अनुभव धर्मचारी बोध प्रकाश जी बहुत, वो भी आनंद लेते थे, उसी में परेशान रहते थे, है ना। तो जिसको होती है प्रीति, ये अवस्था आ जाती है, तो वो उसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे ध्यान में बैठता है, जैसा उन्होंने अपने अनुभव में बताते थे कि वो एकदम से शुरू हो जाता था, है ना। तो वो प्रीति की अवस्था ऐसी है। तो वो हम कितना गहरा ध्यान कर रहे हैं, अपने शरीर और चित्त या मन को
मन से कितना एकाग्र हो रहे हैं इस पर निर्भर करता है। और उसके लिए हमें ज्यादा देर तक अकेले में भी ध्यान करना है, और वास्तव में हम लोगों के साथ जब ध्यान करते हैं तो हमें लोगों को देखते हुए पता चलता है कि हम कितने गहराई में हैं।